मॉर्निंग क्लास। जब लास्ट टाइम हम मिले थे तो हमने एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ लिए, ठीक है। इसके बाद आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो इसमें लिखा हुआ है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे, ठीक है। पॉटरी आर्टिकल मतलब कोई इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री है, कॉटेज मतलब कोई भी इंडस्ट्री आपकी, एक कॉटेज इंडस्ट्री आपकी मतलब कपड़ा की, कपड़े की कोई भी इंडस्ट्री आपकी, तो वो कुछ आर्टिकल बनाती है, मतलब आर्टिकल से आप मतलब ऑब्जेक्ट से, ठीक है, वो कुछ ऑब्जेक्ट बनाती है। और कितने बनाती है अभी 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 इसके बारे में नहीं पता है। इट वॉज ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व किया गया कि ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक पर्टिकुलर दिन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपी वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, कि किसी एक दिन जो एक आर्टिकल को बनाने की जो कॉस्ट थी, है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, तो जो एक आर्टिकल को बनाने की जो कॉस्ट थी वो 3 रुपए ज्यादा थी ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, मतलब आर्टिकल के ट्वाइस से 3 रुपए ज्यादा थी, ठीक है। जो एक आर्टिकल की जो कॉस्ट थी वो क्या थी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल, क्या ना, ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल, 3 मोर देन ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो एक आर्टिकल की जो कॉस्ट थी वो आर्टिकल के नंबर ऑफ आर्टिकल के ट्वाइस से 3 रुपए ज्यादा थी। अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज रुपीस 90, अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना थी उस दिन की, पूरी जितने भी आर्टिकल बने उनकी टोटल कॉस्ट कितनी थी, 90 थी, तो हमको बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है यहां पे, इसको हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल भी x, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी x, ठीक है। हमने आर्टिकल्स की नंबर क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि एक आर्टिकल को बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी, ठीक है। ये हो गया लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल x, ठीक है। अब इसके बाद हम नंबर ऑफ आर्टिकल पता कर, ये तो नंबर ऑफ आर्टिकल है, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, देखिए जैसे मान लीजिए कि 10 आर्टिकल की कॉस्ट, सॉरी 10 आर्टिकल की कॉस्ट 20 रुपए है, ठीक है। 10 आर्टिकल की कॉस्ट 20 रुपए है, तो एक आर्टिकल की कितनी होगी, तो 20 से 10 को डिवाइड कर देंगे, मतलब 20 से 10 को हमने डिवाइड किया, क्या हो गया, 2 रुपए आ गया, मतलब एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी, 2 रुपए होगी, ठीक है। तो अब आप, हमने नंबर ऑफ आर्टिकल का सेलेक्ट कर लिया है और टोटल आर्टिकल बनाने में कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, देखिए 90 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा, 90 अपॉन एक्स रुपीज, ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ आ रहा। नंबर ऑफ आर्टिकल को हमने एक्स सेट करा है, आपसे ये पूछा क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड कितने हुए वो बताना है, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो हमने नंबर ऑफ आर्टिकल को एक्स सेट कर लिया। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 90 अपॉन एक्स कैसे हो गया, देखिए जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर मान लीजिए 10 आर्टिकल आप बना रहे हैं और उसको बनाने में टोटल कॉस्ट आपकी 20 रुपए आ रही है, 10 आर्टिकल को बनाने में कितने रुपए आ रहे हैं, 20 रुपए, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो गई, तो 20 अपॉन 10, ये कितना हो गया, 2 रुपए हो गया, 2 रुपए, उसी तरीके से तो टोटल खर्चा कितना आ रहा है आर्टिकल को बनाने में, 90 रुपीज, और एक आर्टिकल और नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, एक्स है, तो 90 अपॉन एक्स हो गया, ये हो गया कि एक आर्टिकल की कॉस्ट हो गई, ठीक है। तो हमें दोनों चीजें मालूम पड़ गई, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, तो ये 90 अपॉन एक्स है, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल है वो किसके बराबर है, जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके ट्वाइस से 3 रुपए क्या है, ज्यादा है, समझ आ गया, नहीं समझ आया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, तो हमने ये लिखा ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, 90 अपॉन एक्स, तो जो ये है 90 अपॉन एक्स वो किसके बराबर है,
more than twice the number of article produced on that day. जितने आर्टिकल प्रोड्यूस होने हैं उस दिन उसके ट्वाइस से तीन रुपए ज्यादा, ठीक समझ आ गया? आगे समझ में नहीं आया? जितने आर्टिकल, ये जो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल है, मतलब एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो नंबर ऑफ आर्टिकल जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके ट्वाइस से तीन रुपए क्या है, ज्यादा है। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इस एक्स को क्या करेंगे, उधर ले, उधर ले इसकी एक्स जाके इधर दोनों मल्टीप्लाई कर देना, तो ये 90 इसी को कितना हो जाएगा, एक्स को 2x मल्टीप्लाई कर देना, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और x को 3 में कर देना, ये 3x हो जाएगा। क्लियर? 90 को उधर भेज दे, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 90 इसी को क्या हो जाएगा, 0। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मतलब ये इक्वेशन किसी से भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है? तो अब क्या करेंगे, क्या करते हैं, x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए यहां पे 2 आ गया। अब 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 90 से। तो 90 की जगह कितना होता है, 180 होता है, ठीक है, 180 होता है। अब 180 अगर हो गया, अब आपको 180 के फैक्टर करने हैं जिनको मल्टीप्लाई, 180 के दो फैक्टर करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 180 आए, मल्टीप्लाई करने पे 180 आए और माइनस करने पे कितना आए, 3 आए, ठीक है? तो वो 90 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 180। अब आपको 180 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 180 आए और माइनस करने पे कितना आए, 3 आए। तो आप मल्टीप्लाई करिए, दो और इतने फैक्टर ढूंढिए। तो अगर आप फैक्टर ढूंढेंगे इससे तो आपको फैक्टर मिलेंगे 15 और 12, ठीक? हमने निकाले तो आप निकालिए, ठीक है? तो 15 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा और 15 को माइनस करेंगे 12 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप फैक्टर क्या हो गया, 15 और 12, तो ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस 3 को आप लिखेंगे 15 माइनस 12 x और माइनस 19 इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है? अब यहां देखिए 2x² प्लस 15 प्लस का 15x माइनस का 12x और माइनस का 19 इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद यहां पे कर देते हैं, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में आप देखिए अगर तो 2a 15 में तो 2 कॉमन है नहीं, x कॉमन है, तो हमने यहां से x कॉमन लिया, कितना बचा, 2x + 15 और यहां पे देखिए माइनस साइन आ गया, तो जो साइन आ रहा है वही तो माइनस का, और देखिए 12 और 19, x तो कॉमन है नहीं, तो 12 और 19 में क्या कॉमन है, 12 कॉमन है, तो हमने 12 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा, 2x नहीं, 12 कॉमन नहीं आएगा, 12 के टेबल पे 90 आता है, नहीं आता है, ठीक है? तो इसमें क्या कॉमन आएगा, देखिए इसमें अगर हम देखें तो इसमें 12 और 19 अगर इसमें देखें तो 12 और 19 में आपका 2 अगर कॉमन लेते हैं तो 2 तो कॉमन इसमें है नहीं और 19 तो यहां पे आपने देखा कि इसमें हमने 2 यहां पे कॉमन था, x कॉमन था, x कॉमन था, अंदर क्या बचा, 2x प्लस 15 अंदर बचा। अब इन दोनों में देखते तो माइनस कॉमन आ गया, उसके बाद 12 और 19 में क्या कॉमन आएगा, 6 कॉमन आएगा, ठीक है? 12 कॉमन नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि 19 12 के टाइम में नहीं आता है, ठीक है? तो 6 हो गया, अब अंदर क्या बचेगा, 2x और प्लस का 15 और इसको कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको पूरा करें, एक से हम स्किप करके डायरेक्ट लिखे तो आपका आ जाएगा 2x + 15 और x - 6 इसको कितना हो जाएगा, 0। तो अब यहां से x की वैल्यू निकाल दो, देखो -15/2 एंड 6 ये आ जाएगा। अब आप ये आप देखिए कि आपने x को क्या माना था, आपने x माना था नंबर ऑफ आर्टिकल्स, x माना था नंबर ऑफ आर्टिकल, मतलब x क्या कोई नंबर था, नंबर ऑफ आर्टिकल, तो माइनस तो होगा नहीं नंबर, ठीक है? तो इसका मतलब ये 15/2 क्या होगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। तो यहां से हैंस x इक्वल्स कितना आएगा, 6, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है? तो ये हो गया नंबर ऑफ आर्टिकल 6। अब आपसे cos ऑफ ईच आर्टिकल पूछा था, ये cos ऑफ ईच आर्टिकल, तो लिखेंगे cos ऑफ ईच आर्टिकल, cos ऑफ ईच आर्टिकल कितना था, 90/x यानी 90/6, ठीक है? 90/6 था, तो काटेंगे इसको कितना आ जाएगा, ये 15, तो इतना आ जाएगा ₹15।
नंबर ऑफ आर्टिकल उस पर्टिकुलर डे में कितने आर्टिकल बन रहे हैं, 6 आर्टिकल बन रहे हैं और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 15 है। तो दिस इज द सॉल्यूशन। क्लियर है कुछ चीज? तो ये आपका थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से करेंगे इसको तो ये इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कि ये दिख रहा है। बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है क्योंकि आप 10th क्लास में तो इतनी कॉम्प्लिकेशन आप से एक्सपेक्ट की जाती है कि आप इतनी कॉम्प्लिकेशन को सरवाइव कर लेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 4.2। इसके बाद वी विल प्रोसीड टू एक्सरसाइज 4.3। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, पिछले जो बार हमने मिले थे, हमने बताया था आपसे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आपकी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की है। ठीक है, तो इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से नहीं पढ़ेंगे। ठीक, क्लियर है चीज? अब क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो कोर्स में नहीं है, अब कोर्स में आपका है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला आपको बता देते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, ये होता क्या है, इसका काम क्या होता है? कुछ काम नहीं होता है, जो काम आप तक ऑलरेडी क्वेश्चन में करते आ रहे हैं टू फाइंड द वेक्टर, ये काम भी आपका वही है, बस इसको एक अलग फॉर्मूले से निकालना बताया गया है और बहुत ही आसान है। ठीक है, इस श्रीधराचार्य फॉर्मूले से आपकी x की वैल्यू निकाल दी, जो आप इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते उससे यही कर दी, तो x की वैल्यू निकालते तो x इक्वल टू हो जाता है, इसमें हो जाता है -b - √d / 2a। ठीक है, -b + √d / 2a। अब ये b क्या है, ये d क्या है और ये a क्या है? देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपको ध्यान रखना, क्या था, ax स्क्वायर + bx + c इक्वल टू क्या था, 0 था, ये था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये जो b है, ये b है, ये वही है कोफिशिएंट ऑफ x, ये जो a है ये वही है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। नाउ व्हाट इज d, d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। और ये निकलता कैसे है, d की वैल्यू होती है आपकी b स्क्वायर - 4ac। ठीक है, b स्क्वायर - 4ac। जब आप ये d की वैल्यू निकाल देंगे उसके बाद आप इसको यहां पर करेंगे, उसके बाद अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की दो वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, दो वैल्यू आएंगी, कैसे आएंगी, आपको जब पहली x की वैल्यू निकालनी होगी तो आप यहां पे इस फॉर्मूले में प्लस साइन पुट करेंगे, जब आपको दूसरी वैल्यू निकालनी होगी तो आप क्या करेंगे, यहां पे माइनस साइन पुट कर देंगे, बाकी पूरा सेम रहेगा, ये पूरी चीज आपकी तीनों टर्म सेम रहेंगे, पहली वैल्यू में यहां पे प्लस पुट करेंगे, दूसरी वैल्यू में यहां पे क्या करेंगे, माइनस पुट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन आपके में नहीं है, बस ये चीज है, आप बस केवल फॉर्मूले से पढ़ना और उस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करना है इनका इन द एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया श्रीधराचार्य फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस एन रूट डी अपॉन टू ए, और यहाँ पे ए और बी जानते हैं क्या होता है, डी और बी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और डी ऐसे निकलता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। क्लियर है चीज? इसके बाद तो हम इसी के बेसिस पे हम एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको है लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। अब इफ दे एग्जिस्ट का मतलब है कि अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो इसी के साथ साथ अभी आगे पढ़ने वाले हम इसी के साथ आपको एक चीज और पढ़ा देते हैं कि व्हाट आर द नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, कि रूट्स का नेचर कैसा होगा और ये रूट्स का नेचर डिपेंड किस पे करता है, इस पे, डी पर, डिस्क्रिमिनेंट पर। ठीक है, तो अब इसके लिए भी कंडीशन दूंगी कि रूट्स कैसे होंगे इसके। ठीक है, अब देखिए जब आप डी की वैल्यू निकालेंगे डी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से, ये डी की वैल्यू आप निकालेंगे डी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से, अगर ये डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है, अगर ये d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, ग्रेटर देन
ग्रेटर देन 0 वाले का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उसके जो रूट्स होंगे इक्वेशन के वो होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे मतलब अलग अलग होंगे, मतलब दोनों लाइफ एक्सपीरियंस क्या होंगे अलग अलग होंगे। ठीक है, क्लियर है चीज। अगर b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है मतलब b की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो रूट्स कैसे होंगे रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग वैल्यू देंगे x की, मतलब एक x है तो अलग होगी दूसरे x की क्या होगी अलग होगी। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट व्हेन d इज ग्रेटर देन 0। इसके बाद अगर मान लीजिए d की वैल्यू आपकी क्या आती है 0 के इक्वल आती है, d इज इक्वल टू 0, अगर d आपका 0 के इक्वल आ जाता है मतलब इसको सॉल्व करने में क्या वैल्यू आती है 0 आती है। तो अगर ऐसा होता है तो आपके जो रूट्स होंगे वो रियल एंड इक्वल होंगे, रियल होंगे और क्या होंगे इक्वल होंगे, मतलब रियल होंगे और इक्वल होने का मतलब है कि x की दोनों वैल्यूज क्या होंगी सेम होंगी। क्लियर है इतनी चीज। इसके बाद लास्ट वाली जो कंडीशन है वो ये है कि अगर जो d की वैल्यू है वो लेस देन 0 आती है, d की वैल्यू अगर आपकी लेस देन 0 हो गई मतलब आप इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आ रही है लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब कि नेगेटिव वैल्यू। देखिए क्या होता है, ये नंबर लाइन होती है ये 0 होता है, यहां पे प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे, तो इधर क्या होता है 1 2 3 ऐसे माइनस किया ऐसे माइनस करता है, तो इधर जाने पे प्लस मिलता है, इधर जाने पे क्या मिलता है माइनस। तो ये जो इधर की वैल्यू होती है वो 0 से छोटी होती है और इधर की वैल्यू क्या होती है 0 से बड़ी होती है। तो पहले जब था d ग्रेटर देन 0 था तो इधर की वैल्यू आएगी d इक्वल टू 0 मतलब ये 0 वैल्यू आएगी, और अब d लेस देन 0 इसका मतलब इधर, मतलब अब जो वैल्यू मिलेगी अगर इसको सॉल्व करने पे लेस देन 0 मिला मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी। अब अगर नेगेटिव वैल्यू मिलेगी तो कैसा होगा नेचर रूट का, होगा अनरियल रूट्स, मतलब उस वो आपके अनरियल रूट्स होंगे या उनको हम इमेजिनरी रूट्स भी बोलते हैं, और इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं और उन रूट्स को हम निकाल नहीं सकते हैं। तो जब ऐसा अगर किसी भी डी की वैल्यू आपकी लेस देन 0 आ गई तो हम क्या करेंगे उन रूट्स को निकालेंगे नहीं। तो आपकी तीन कंडीशन आपको मिल गई, डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0 और डी लेस देन 0। ठीक है, डी ग्रेटर देन 0 मतलब रियल एंड अनइक्वल रूट्स, अनइक्वल मतलब डिस्टिंक्ट, रियल एंड अनइक्वल, डी इक्वल टू 0 रियल एंड इक्वल, और d less than 0 मतलब imaginary roots। इन दो जब ये दोनों केस आएंगे तो हम आगे मतलब पूरी x की वैल्यू निकालेंगे, जब ये दोनों केस आएंगे तो हम x की वैल्यू पूरी निकालेंगे फॉर्मूले में, शीघ्रचार फॉर्मूले में। लेकिन अगर ये कहीं आ गया कि अगर d की वैल्यू आपने 0 निकाल दो, अगर आपने d की वैल्यू निकाली है वो नेगेटिव वैल्यू आ गई तो आप उसको वहीं पे छोड़ देंगे, उसको रूट्स की वैल्यू नहीं निकल सकती। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन आपकी फॉर द नेचर ऑफ रूट्स। क्लियर है ये चीज। इसके बाद चलिए एक छोटी सी एग्जांपल से इसको समझें। तो देखिए एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए लिखा हुआ है 2x² - 7x + 3 = 0। अब देखिए इसमें हम पता करते हैं कि इसकी वैल्यू, इसमें जो x की वैल्यू यानी रूट्स है, अच्छा रूट्स मतलब वही x की वैल्यू, इसमें रूट्स निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते। ठीक है, देखिए इसमें a कितना है 2x, b कितना है -7x और c कितना है, अब हम निकालेंगे क्या d निकालेंगे, तो d कितना होता है b² - 4ac, b स्क्वायर यानी 7 का -7 का स्क्वायर -4a यानी 2, c यानी 3, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 -4 क्या 8 क्या 24। क्लियर, 8 * 8 = 24, 4 × 8 = 24 तो d की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। और देखिए d की वैल्यू 25 आई है इसका मतलब d greater than 0 है, और d greater than 0 इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई निकलेगी, मतलब इसमें हम सीधा चार फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ये d greater than 0 आ गया, तो हेंस इसमें लिखेंगे सिंस d इज ग्रेटर देन 0 हेंस द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल या रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इसमें हम एक्सरसाइज 4.3 को आगे इसमें नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तब करेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए हमने एक जनरल सा एग्जांपल आपको दिया है, बस आपको समझ किया इसमें इसमें आगे की आगे का जो प्रोसीडिंग है वो हम नेक्स्ट जब मिलेंगे तब करेंगे। थैंक यू क्लास।